दास और वंशों की प्रोग्राम लैके हाजिर होया रविदास रहे प्रसन्न। इस प्रोग्राम दे विच कांछी टीवी नूं जिन्ने भी देख रहे ने उन्हां सारियां ही संगतां नूं दिल दीआं गहराइयां तों बड़े प्यार सरकार अदब दे नाल निघा स्वागत जी आयां नूं। आओ गुरु साहिबां नूं सतगुरु रविदास माई नूं हाजर नाजर करिए, उन्हां दी छत्र छाया उन्हां तों आशीर्वाद प्राप्त करिए, रल के आखिए बड़े प्यार सरकार नाल जय गुरदेव धन गुरदेव। सो गुरु दे प्यारियो, अज दे इस प्रोग्राम दे विच जिवें कि हर बार हर एतवार नूं दास जो प्रोग्राम लैके आउंदा अपने रहबरां अपने गुरुआं पातशाहां अते वड्डियां वडेरियां संतां महापुरशां दा प्रोग्राम लैके हाजिर हुंदा। कोशिश करदा हुंदा कि जिन्हां संतां महापुरशां ने कौम लई समाज लई धर्म लई मानवता लई कोई काम कीता है और उन्हां दे गुण कांची टीवी ते बह के गाए जाण अते उन्हां दे कीते हुए कमां दी पर उपकारां दी शलाघा ते महिमा कीती जावे। सो गुरु दे प्यारे, साडा फर्ज भी इह बणदा कि जिन्हां महापुरशां ने जिन्हां सतपुरशां ने साडी जिंदगी नूं गुरमुख बनाउण वास्ते साडी जिंदगी नूं सच ते चलाउण वास्ते साडे जिंदगी दा उधार करन वास्ते साडी जिंदगी नूं कुकर्मां चों कढ के चंगे कर्मां विच लाउण वास्ते जो जो भी योगदान पाया उन्हां दा साणू यश गाउणा बहुत जरूरी है। सो गुरु दे प्यारियो, गुरबाणी दे विच भी संतां महापुरशां दी बड़ी वडियाई कीती है क्योंकि संत लफ्ज़ ही संत दी परिभाषा मैं कपड़िया नाल नहीं करदा, मैं संत दी परिभाषा शरीर दे बाहरों पक्खों नहीं करदा, बाहरले पक्ष जो है वो नाल नहीं करता, जो अंदरों जागे हुए ने जो अंदरों सच नाल जुड़े हुए ने जां अंदरों मानवता दे पर उपकार नाल जुड़े हुए ने दास हमेशा ही उन्हां दे चरणां दे विच बैठ के उन्हां दी शोभा उन्हां दी महिमा करन दा माण महसूस करता है। सो गुरु दे प्यारियो, सानू सारे नूं पता, आपां कोई भी चैनल खोल के देख लीए, कोई भी सोशल मीडिया दे विच किसे भी चैनल नूं खोल के देख लीए, हजारां लखां ही चैनल बने हुए ने और जिहड़े 24 घंटे भी चलते ने, जिहड़े हमेशा ही चलते ने। हर एक समाज हर एक प्राणी, जिवें मैं अपने घर नूं उच्चा चुकण वास्ते मैं अपने बच्चों की जिंदगी नूं सोहना बनाउण वास्ते तरह तरह के उपराले करदा, इवें ही हर प्राणी अपने समाज नू अपने धर्म नू अपने रैवरां नू अपने वडेरियां नू अपने उन्हां पतवंतियां नू जिन्हां ने कोई समाज लई चंगेरा काम कीता है उन्हां दे वास्ते हमेशा उन्हां दीआं गल्लां करन वास्ते उन्हां दी शोभा करन वास्ते टीवियां ते बह बह के गल्लां भी करदे ने, उन्हां दी वडियाई करदे ने। ते सानूं वी इस भाग प्राप्त होया कांछी टीवी रविदासिया कौम दा जेकर चलिया और इस स्टेज दे उत्ते बैठ के इस चैनल दे उत्ते बैठ के असी अपने रहबरां ने जिन्हां नूं अखों परोखे कीता होया सी, जिन्हां नूं बिलहुरी नज़रअंदाज़ कीता होया सी, जिन्हां नूं मैं वह पंजाबी ठेठ पंजाबी वाल नहीं जावांगा, जिन्हां लोकां ने उन्हां लोकां ने वो समझते तो सी कि इन्हां दीआं वडियाईआं ने इन्हां दे कर्म चंगे ने इन्हां ने बहुत बड़े बड़े पर उपकार कीते ने, पर जदों साडे अंदर कोई वितकरा पैदा हो जाता उस वेले फिर असी उन्हां लोकां दी वडियाई करन तों गुरेज करदे आं ते फिर साडे ते भी किरपा होई, असी भी इत्थे बैठ के उन्हां रहबरां नूं जिन्हां नूं अखों परोखे कीता जांदा सी सानू भी अच्छ मौका मिलिया, असी भी शानो शौकत दे नाल बैठ के उन्हां दी महिमा गान कर सकी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जिंदगी कई तरह के अखह असह कष्ट सहार के मानवता लई भला कीता। जे संविधान लिखिया, मैं इत्थे एक बेनती करदा, बहुत सारे नूं इन्नी गल हुंदी है कि संविधान सिर्फ गरीबां लई लिखिया, उहदा अमीर लोग भी फायदा लै रहे ने। जे कितने कानून की गल हुंदी है तो कानून का अमीर नूं भी फायदा, गरीब नूं तां हालांकि घट मिलदा, अमीर तो वो फायदे बड़े लै लैंदे आ।
और इस तरीके जेकर बाबा साहब जी ने संविधान के जिन्हां बीबिया बाकियां पुराणा दे विच जां बाकियां ही धार्मिक कई ग्रंथां दे विच पैर दी जुत्ती समझे जांदा सी ते कल्ले उन्होंने गरीबां दीआं इन्हां बीबियां नूं सत्कार नहीं दिता, हर बीबी नूं सत्कार दिता है। जो भारत दी वासी कोई भी बीबी है, भावें भैण आ धी है, किसी भी रिश्ते विच बीबी दा है रुतबा है, तो उन्हों सारे ही अधिकार बाबा साहब जी ने बिना बितकरे दिते ने। सो गुरु दे प्यारियो, आओ रल मिल के आपां, जेकर मैं इत्थे सांझी गल करदा तो सानू बाकी दियां नूं भी चाहिए भी असीं भी सांझी गल करिए। जे तुसीं हर समाज दे संत महापुरश आए ने, कि क्रिश्चियनिटी दे विच सेंट नहीं आए, कि पीर फकीर इस्लाम विच नहीं है, कि सिख समाज विच संत समाज नहीं है, कि होर बाकी दे सनातनीए जां हिंदू समाज दे संत महापुरश नहीं है, सारे ही अपने अपने संतां महापुरशां दी गल करदे है। ते सानू भी अपने महापुरशां दी गल करन लग्या होया माण महसूस हुंदा, क्योंकि क्यों महसूस हुंदा है, नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, जिन्हां ने साडे ते एडी वड्डी किरपा कीती सानू, एक जिवें कि असीं साडी सानू कित्थे रखिया होया सी। अज भी साडे ते बहुत सारे समाज इहो जिहे कह ढाउंदे ने जदों कि सदियां बीत गईआं, पर आज सानू अज प्लेटफार्म मिलिया, वह जिहड़ियां सदियां बीतण तो बाद भी जेकर साडे ते अज भी गुलामी दा डंडा चल रिहा, तो असीं लोकां दे सामने उहनूं नंगा तां कर सकदे आ बई संविधान दे मुताबक जां देश दे विच जो भी चल रहा अज भी छुआछात जात पात किसी ने मुछ रखी गई तो उन्हों नहीं मार दिता जाता गोलियां दे नाल, कोई घोड़ी ते चढ़ गया उन्हों गोलियां नाल मार दिता जाता, कोई चप्पलां पा के गली दे विच लंघ जाता है उन्होंने। रब दे वास्ते मैं बेनती करदा, जिवें तुहानू ये रोका लाउण वाले जिदा दे तुहानू अधिकार है, संविधान सानू भी उहो जिहा अधिकार दिंदा। असीं भी एक इंसान हाँ, जिस समाज नूं तुसीं नीवा करके जां एक अजिहियां शर्तां ला के उन्हां दी मानसिक तौर पर जिन्हां नूं तुसीं टॉर्चर करदे आ जां जिन्हां नूं समाजिक तौर पर टॉर्चर करदे आ, तंग करदे आ, अन्याय जिन्हां नाल करदे, जुल्म करदे हो, अज उन्हां दी भी गल करन दा साडा इत्थे मौका मिलदा। सानूं बड़ा चाह हुंदा है दूसरे समाज जदों गुरु साहिबानां दे महापुरशां दे अपने अपने प्रोग्राम मनाउंदे ने, असीं बड़े चाह नाल उन्हां च हिस्सा लैंदे हां। और रल मिल के पिछे गुरपुरब लंघ के गया चलाया, सारियां संगतां ने बधाइयां दित्तियां, सतगुरु नानक देव जी दा आउंदा असीं उहदियां भी बधाइयां लाउंदे हां, सतगुरु गोबिंद सिंह दा आउंदा उहदियां भी बधाइयां लैंदे हां, सतगुरु तेग बहादुर जी दा शहीदी पुरब आउंदा है उत्थे भी संगतां दा, जो भी उस मौके की गल विचार हुंदे ने असीं लैंदे हां। सो अज इत्थे बैठ के मैं गल करन जा रहा कि जेकर अज असी कंछी नूं तुरे आ, जेकर असी भी अपने साहिब सतगुरु रविदास महाराज ने जिने कचहरियां विच खड़े होकर सानूं आशीर्वादां दित्तियां, नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, जेकर असी उधर नूं तुरे आ उन्हां दे पावन पवित्र जन्म अस्थान नूं प्रगट दिहाड़ा मनाउण वास्ते जदों उत्थे जांदे आ, लखां दी तादाद विच लोकी जांदे आ, उन्हां दे वास्ते जिन्हां जिन्हां महापुरशां ने, जिन्हां जिन्हां प्राणियां ने, जिन्हां जिन्हां सेवादार ने योगदान पाया, उन्हां दी गल करना साडा फर्ज है। अज मैं गल करांगा कबीर मरता मरता जग मुआ मर पी न जाणिया कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न जन्म बहुर न मरना होए। सो संसार तो जाना सारिआं ने आ, जाना सारिआं ने, संग चलत है हम पी चलना, पर जान लग्गिआं होइआं कोई इहो जिहियां यादां छड जावे बंदा, कोई अपनी इहो जिही याद छड जावे कि तुहाडे जाण तो बाद वी जदों जब मैं आया जगत में जग हंसे हम रोए, सो ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए।
सो एहो जी करनी कर लेनी चाहिए है। तो अज मैं प्रोग्राम ला रहा संत सुरिंदर दास जी बेगमपुरा वासी संत सुरिंदर दास जी कठार वाले जिन्हां दियां समाज नूं बाणी प्रति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रति और संत समाज दे विच जो उन्हां दे योगदान है उन्हां नूं कदी भुलाया नहीं जा सकता है। गरीबां लई मानवता लई और विद्या लई कांछी मंदिर लई हस्पताल लई जां किते लोड़वंदां लई जिथे भी उन्हां ने किते योगदान पाया वो भुलाया नहीं जा सकता। आओ उन्हां दी अज कांछी टीवी ते मैं बरसी मनाउण दा प्रोग्राम लैके आया। 8 मार्च नूं गुरु दे प्यारे उन्हां नूं पूरा साल हो गया सालाना बरसी उन्हां दी उत्थे भारत विच पंजाब विच भी मनाई गई। सो अज उन्हां दे नाल दास ने भी समां कट्टिया आ अते उन्हां दे जो भी रविदासिया धर्म वास्ते गुरु रविदास मज के मिशन वास्ते बाबा साहब जी के डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन वास्ते स्वामी बाल्मीकि जी के मिशन वास्ते जो उन्होंने है जो भी उन्होंने अपने अपना कर्म किया वो मैं दसांगा। आओ महापुरशों के मैं जो स्वरूप है उन्होंने दर्शन करवा जा रहा। संत सुरिंदर दास जी कठार वाले पिंड रंगपुर जिला रामपुर राज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दे विच संत सुरिंदर दास जी पैदा हुए। माता जी करम कौर पिता पूरन चंद जी जो कि उत्थे रंगपुर दे विच खेतीबाड़ी का काम करते सी। हमेशा ही आपां जदों महापुरशां दी गल आउंदी है ये सुभाविक ही गल पैदा हो जाती है कि जदों इस लाइन वल नूं कोई तुरदा है संत मत वल नूं तुरदा परमार्थ वल नूं तुरदा है उहदे बचपन तो ही उहदा पता लग जांदा है कि इहदी विरती किहो जी है। क्योंकि संतां महापुरशां दा जिहड़ा इत्थे भेस बन के आउणा सो गुरु दे प्यारे संत महापुरश जदों इत्थे आउंदे ने जदों उन्हां नूं पवित्र मुबारक कुख मिलदी है जदों पवित्र मुबारक माँ दा उन्हूं माँ दी कुख मिलदी है तो उस वेले इहो जिहियां बिरतियां इस संसार विच आउंदियां। बहुत सारिया रूहां बहुत सारे संत महापुरश बहुत सारे पर उपकारी बहुत सारे सतपुरश जिन्हां धुर तो ही सब कुछ प्राप्त होया हुंदा है। सो इस संसार विच आ के फिर वो दुनियादारी विच संसार विच इन्ना रुझदे नहीं वो फिर जो करतार दी ड्यूटी उन्हूं धुर तो मिली हुंदी है सो वो इत्थे आ के निभाउंदे ने। संत सुरिंदर दास जी भावें यूपी दे विच पैदा होए ने खेतीबाड़ी का माँ बाप काम करते सी इतिहास तो पता लगता है क्योंकि इन्हां दे माता जी अजे भी डेरे विच ने उत्थे कठार कठार कूपुर ढेपुर अड्डा कठार जिथे श्री 108 संत सरवण दास चैरिटेबल होस्पिटल आ उहदे नाल जिहड़ा वड्डा सारा गुरद्वारा एक गुरद्वारा इन्होंने अपने हत्थी अपनी सेवा दे नाल कार सेवा दे नाल उत्थे बनवाया। सो गुरु दे प्यारे घर दे विच ठहरे और कोशिश कीती माँ बाप ने कि साडे नाल खेतीबाड़ी दा काम करवावे जां ए चंगा पढ़ ला के कोई अफसर लग जावे पर उत्थे जो भी गुरु घर सन लागे बाणी का पाठ करना नितनेमी बन गए मत्था टेकन चल गए उत्थे दो दो चार चार घंटे बैठे रहना। सो फिर घरों एक बारी छोटी जी किशोर अवस्था दे विच छोटी जी उम्र दे विच तुर पए ने तुरद्या तुरद्या
नानक मत्ते पहुँचे ने। और उस तो बाद राणा साहब भी पहुँचे ने। बस एहो जिहा प्रेम संता महापुरुष जी संगत कहिंदे ने कि जदों बिरती इदां दी होवे तो कोई ना कोई मंजिल मिल जाती है। जिहो जिहा तुहाडे अंदर बिरती होवे, जिहो जिही तुहाडी मनसा होवे, जिवें एक बच्चा तुसी मर्जी नाल नहीं उह तों डिग्रियां दवा सकदे, तू आ कर। बच्चे दी इक लगन वा, उह की प्राप्त करना चाहुंदा, जिंदगी च की बनना चाहुंदा है, जो उहदी भावना होएगी वह बन जाएगा। इंजीनियर बनना चाहुंदा है, डॉक्टर बनना चाहुंदा है, जां किसी पासे जिहड़ा भी मर्जी वह रस्ता चुन लवे, उहदा अपना चुनिया होया दिली रस्ता फिर उन्हूं कामयाबी उन्हूं डिग्रियां जरूर दिलाउंदा, फिर जिंदगी चों तरक्कियां करदा। जेकर असीं ठोस के कहीए वी तूं आ छड आ कर, तो ठोसया होया काम कंपेल किया मजबूर किया होया किसी नूं, उह तरक्की वल नहीं जांदा, उहदे विच फिर कई तरह दीआं रुकावटां आउंदीआं। ते इह महापुरश इन्हां दी बिरती संत मत वाली सी, परमार्थ वाली बिरती सी। बचपन तो ही पाठ वल गुरु साहबां दे चरणां में जाके मत्था टेकना, गुरुद्वारे जाके सेवा करनी, और ग्रंथियां दे नाल बैठ के बचन बिलास करने छोटी जिही अवस्था दे विच। सो गुरु दे प्यारे 15-16 साल दी उम्र दे विच राणा साहब भी पहुँचे ने और उत्थों अगे तुरे ने। दिल दे विच एक तमन्ना आ गई कि मैं जिस मंजिल वल तुरिया, जो मैनूं इतिहास दस रहा कि मैं चाहुंदा कि मैं उत्थे जा के अपने आप नूं समर्पित कर देवां, जो मैनूं मनमुख तों गुरमुख बना देवे, जो मेरे मन दे विच रीझ है जां जो मेरे मन दी तांग है उहनूं पूरा कर देवे। मैं परमार्थी बनना चाहुंदा, बाबा जी दी ये इच्छा सी, मैं परमार्थी बनना चाहुंदा, मैं संत मत नूं अपने अंदर धारण करना चाहुंदा। सो गुरु दे प्यारो संतां महापुरशां ने फिर जो धार लैंदे ने उह धारण दे वास्ते फिर संत बनना बड़ा औखा, बहुत औखा, बहुत औखा। इहदा मतलब इह नहीं वी गुरु दे प्यारो ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ ਪਟਕਾ ਬੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਾ 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 ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਟੀਆ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਝੰਡਾ ਗੱਢ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਪਦੇ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੱਲ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਮ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਭੇਖਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਕੇ ਬਚਨ ਦੇ ਬਲੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਾਈ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
पता लगता उत्थे भी इन्हां नूं सेवा करन दा मौका मिलिया। फिर उत्थों ही एक लगन लगी संत किरपाल सिंह जी सत्तों की गली वाले, हाँ जी सत्तों की गली वाले बहुत विद्वान महापुरश होए ने। ये देखो ये जो अज भारत सरकार ने जा यूपी की सरकार ने कांछी दे विच ये लंगर हाल बनाया और ये नाल ही बहुत बड़ा पार्क बन रहा और हाईवे तो बहुत चौड़ी सड़क जिहड़ी कि मंदिर वल नूं आ रही है जदों कि वह है नहीं सी आ रही है। ये सिर्फ तो सिर्फ इन्हां महापुरशां दा ये ड्रीम प्रोजैक्ट सीगा। ये चाहते सी बे कांछी दे विच जे सतगुरु रविदास माई दा वह जन्म अस्थान बनिया जेकर बाकी दे एडे धर्म स्थानां नूं सरकारां मदद दे के सरकारां उन्हां वल कुछ ना कुछ योगदान पा के उन्हां नूं तरक्कियां वल लैके जा रहे ने, क्यों ना असीं भी सरकार तक पहुँच करिए तां कि साडा मिशन बढ़ सके। सो गुरु दे प्यारे जिहड़ियां मैं तुहानूं तस्वीरां दिखावांगा इत्थे इंग्लैंड विच भी आए ने। इंग्लैंड विच ये दो बारी आए ने, पहली बारी जदों संत गरीबदास जी 1985 विच आए उदों संत रामानंद जी संत सुरिंद्रदास जी कठार वाले बड़ी छोटी जी उम्र सी और उस वेले आए। सो गुरु दे प्यारे 25 साल दे उस वेले उम्र मसा 25 साल दी उम्र सी इन्हां दी। सो आ जो ब्याह ये हर साल तकरीबन 20, 25, 30, 50, 51 वो बच्चियाँ जिन्हां दे माँ बाप अपनियां धीआं नूं घरों तोरन लग्या होया महसूस करते भी साड़ी पहुँच नहीं, गरीबी है और ब्याहां दा चाल नहीं चल सकते, तो इन्हां महापुरशां ने उत्थे फिर इन्हां बच्चियां दे गरीब बच्चियां दे हर साल दसंबर दे विच ब्याह करने शुरू किए। ब्याह फिर इस तरीके नाल नहीं जिवें एक बाप अपनी धी नूं रूझ रीझां नाल तोड़दा है, पतीए तैनूं की चाहिए जो मैं तैनूं दे सकदा होवां, धी वास्ते इन्हां बच्चियां वास्ते बकायदा जो उहदियां लोड़ीदियां चीज़ां ने घर दे विच जो उस लड़के कोल भी नहीं, जिवें कि घर दे विच वधिया बैड लगी होवे, पेटी होवे, काम करने वास्ते मशीन होवे, पखा होवे, इदां दियां भांडे बर्तन होण, कपड़ा होवे, बस्तरे होण, इवें ये संत महापुरश डेरा सचखंड बल्लां दे संत निरंजन दास जी महाराज जिहड़े मौजूदा गद्दी नशीन उन्हां दियां आशीर्वादां दे नाल ये सारा कार्ज हर साल डेरे कठार दे विच करदे ने, करदे आ रहे ने। उही ही मर्यादा अज जिहड़े एक साल बाद बरसी मनाउण वाले गद्दी नशीन जिहड़े इन्हां दे सेवा ते बैठे ने संत प्रदीप दास जी और इन्हां दी चलाई हुई मर्यादा नूं अगे वधा रहे ने। सो गुरु दे प्यारे मैं लड़कियां दे ब्याह बारे भी गल कीती, हुण मैं कांछी दी गल करां। जदों 1965 विच नींह पत्थर रख्या उत्थे एक मिनट राज जी मैं तुहानूं फिर गां दसदा। सो गुरु दे प्यारे जदों नींह पत्थर रख्या उत्थे जात पात बहुत सी, उत्थे ग्वाले आले दुआले सी, अपने आप नूं उच्चियां जातां दे उह हिंदू खोंदे सी ते उत्थे मंदिर विच जाण दे वास्ते जां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश करन वास्ते उहनां नूं बहुत तकलीफ होई सी ते इन्हां महापुरशां ने जाके हिक डाह के अगे हो के कांछी दे उस मंदिर नूं उहनां तनाडां तों जां उहनां जात दे हंकारियां तों गुरुद्वारे नूं आजाद कराउण वास्ते इत्थों तक जेल भी कट्टी है, इत्थों तक रोड़े बट्टे भी खाधे है। अज कांछी दा जेकर दरबार इत्थों तक आया ते संत सुरिंद्रदास जी कठार वालियां दी अणथक मेहनत जो उत्थे जा के इन्हां नूं मुश्किल आईयां सरकार दे नाल जां उहनां जात पात दे हंकारियां दे नाल जो भी इन्हां दे नाल मुकाबला करना पिया इन्हां महापुरशां ने अपने शरीर ते हंडाया उत्थे वास्ते योगदान बहुत पाया। सो गुरु दे प्यारे सतगुरु रविदास माई दे मिशन वास्ते बाबा साहब दे मिशन वास्ते एक इन्हां ने पिछे जे चेतना चिंतन समाजिक चेतना चिंतन एक सैमीनार करवाया सी
ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PhDਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੁੱਲੜ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੁਕਮ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੋ ਆਓ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਸੰਤ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮਨਿਸਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਿਆਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਲੰਗ ਪੇਟੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਤੇਰਾ ਜੋਕ ਵੀ ਆ, ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਤੋਗੀ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇਖੋਗੇ ਪੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਰਵਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਨ ਵਾਲੀ ਚੇਤਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੇਟ ਲੰਕਾ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ RK ਨਰਾਇਣਨ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਗੇਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਬੂ ਕਾਂਛੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੋਗੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਫਲ ਉਹ ਮਾਥਾ ਸੰਤ ਨਮਸਕਾਰ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੱਥਾ ਪਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵੇਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 191 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇ ਸੰਤਾਂ। ਫਿਰ 13ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁੱਖਨ ਕਾਗਜ਼ ਲਵੇ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁੱਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਜਲੇ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁੱਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ,
संत नंजन दास जी महापुरश बैठे ने खब्बे हाथ संत सुरेंद्र दास जी गुरु के प्यारो कहते हैं कि संत साधकी शोभा ऊंच तो ऊंची साधकी शोभा मूच तो मूची बद तो बद है उची तो उची है सो अठ जिनी सत्तवीं अष्टपदी जी है साधुआ दी है अठवीं ब्रह्म गयानिया दी है गुरु के प्यारो जिन्ना भी सुखमनी साहब है हर अष्टपदी दे विच बखरा 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 महाराज जी ने सिलेबस सबजैक्ट रख के एजेंडा रख के सानू समझाने की चौबी अष्टपदियों बखरे बखरा एजेंडा लैके सानू समझाने की कोशिश की है। आओ जदों असी कीर्तन सोलह भी पढ़ते हाँ जदों सानू कोई छड्डन भी जाता गुरु के प्यारे तो उस वेले भी असी जदों बाणी दियां तुकां पढ़ते हाँ तो वह भी सानू यही समझाउंदियां सानू यही समझाउंदियां ते गुरु दे प्यारे ओ सानू की समझाउंदियां भी इस वेले सानू संतां दी सेवा करन दा मौका मिलिया आओ ओदी सेवा करिए। सो गुरु दे प्यारे जेकर सानू अज किसे महापुरशां दे चरणां विच जुड़न दा मौका मिलिया ते सानू बैठ के गुरु दे प्यारे उन्हां महापुरशां दे बचन सुन लैने चाहीदे है अते बचन सुन के और उन्होंने सानू चलना चाहिए। ये जदों हदियाबाद गुरु घर बनया इतों सोने की चाबी भाई साहब ब्रिज कलेर जी ने भेजी सी एक किलो की सोने की चाबी ये इतने महापुरश उदों आए हुए सी चाबी जी कि एक किलो पूरे प्योर सोने की 24 कैरट की है जी कि उत्थे भेजी गई सी। सो गुरु के प्यारे आप इन्हां संतां महापुरशां के दसे हुए रास्ते ते चलते रहिए ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪੁਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਾਂਛੀ ਟੀ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪੇਗਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।